आप लोग देख रहे चैनल वन और मैं हूँ राहुल खत्री। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में बड़ा धूमधाम से मनाया गया, अब वहीं अगर बात करें कल सोमवार की, तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रीनगर में भी जो है शोभा यात्रा निकालेगी और ये उत्सव धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। हालांकि पारंपरिक तरीके से जो है इस त्यौहार को जो है मनाया गया, उसके साथ मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक परिधानों में सजे बच्चों के समूह के साथ ये यात्रा जो है श्रीनगर के टैंकीपुरा इलाके के कमलेश्वर मंदिर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई। ये यात्रा हबका दल, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ रिंगल चौक, लाल चौक, हरि सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक से गुजरती हुई धार्मिक भजन गाते हुए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए और ये यात्रा जो है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो संपन्न हुई। मैं आपको बताऊं कि एहतियातन तौर पर जो है वहाँ पर बहुत सारी लोकेशंस की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। और इस अवसर पर हिंदू वेलफेयर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष चुनी लाल जी की बात करें तो उन्होंने मानवता की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और उन्होंने ये भी कहा कश्मीर घाटी में इसी तरीके से सुख शांति बनी रहे और आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और कहा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उपराज्यपाल जी ने जो है ट्वीट करके इसकी मुबारकबाद जो है सबको दी और ये कहा कि ये संदेश है कि ये त्यौहार सभी के लिए सुख समृद्धि और कल्याण लेकर आए और हमें एक सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और उसी तरीके से हम जो हैं एक साथ होकर हर धर्मों के त्यौहार जो है एक साथ मनाएं और इसी तरीके से अमन और शांति के साथ जो है हम सभी त्यौहार मनाएं। लक्ष्मी गौरव मनोज सिन्हा जी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके की। और जिस तरीके से कश्मीर की बात करें, कश्मीर घाटी की बात करें, तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों ने जो है बड़े धूमधाम से अगर कश्मीर घाटी की खासतौर पर बात करें तो वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली, मुख्य बाज़ारों से होती हुई शोभा यात्रा निकली। हालाँकि धारा 370 और 35A के पहले जो है इस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार शोभा यात्रा के साथ जो है कश्मीर में नहीं मनाया जाता था, लेकिन कुछ बदलाव जो 370-35A के बाद आए और जिस तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम कश्मीरी पंडितों की बात करें, उनके साथ कश्मीर के कश्मीरी जो लोग वहां पर रहने वाले हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में शिरकत की और जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी की ये जो शोभा यात्रा थी उसमें शिरकत की और बड़े सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम जो है हर जगह किए गए थे और उस पुख्ता इंतज़ामों के साथ साथ जो है कल हर्षोल्लास के साथ जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है कश्मीर घाटी में मनाई गई। आप देखते चलवन राहुल खत्री, नमस्कार।